चलिए ठीक, तो कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं हम कैपिलरी ट्यूब, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ये कैपिलरी ट्यूब होता क्या है? आपने कभी गन्ने का रस पिया है? हाँ, तो वो जो स्ट्रॉ होती है पतली सी थिन ट्यूब रबड़ की या प्लास्टिक की, वो होती है कैपिलरी ट्यूब। यानी इट इज द थिन ट्यूब ऑफ प्लास्टिक और रबड़ और ग्लास इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब, ठीक है ना। तो अभी हम इस डेफिनेशन को नहीं जानते, हम तो ये मानते हैं कैपिलरी ट्यूब हम बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं। तो अब ये हमारे पास आ गया, ये कैपिलरी ट्यूब है। इस तरह का एक मैंने कॉन्सेप्ट लिया है जो बहुत ज़्यादा थिन है और इस तरह से रखी हुई है। यहाँ आपके पास एक सिरा जो है, एक एंड बोल सकते हैं, सिरा बोल सकते हैं, क्लोज है और दूसरा ओपन है। समझ में आ रही है? यहाँ गैस भरी हुई है और यहाँ दूसरी तरफ एटमॉस्फेयर प्रेशर है। दूसरी तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर प्रेशर यानी एयर, पी एटमॉस्फेयर, जो कि कितना है? 1 ATM। बोलो क्लियर है? तो एक तरफ 1 ATM है, क्या आप बता सकते हो यहां प्रेशर क्या होगा? बीच में मरकरी है, बीच में मरकरी है और बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रखा हुआ है, और ये हाइट एच है। तो आप मेरे को बता सकते हो यहां प्रेशर क्या होगा? अंदर अंदर गैस का प्रेशर क्या होगा? प्रेशर अंदर सब जगह एक ही होता है, पूरी वॉल में, डाउनवर्ड नहीं होता, अपवर्ड नहीं होता। प्रेशर गैस का पूरी वॉल में सिमिलर लगता है, भले वो नीचे हो या ऊपर हो। और प्रेशर गैस के लिए तो लेवल सेम होना भी कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर जगह एक ही पॉइंट पे प्रेशर रहता है। मेजर अपन जरूर वॉल पे कर सकते हैं, वॉल सारी होती है, ये वाली वॉल भी हो गई, ऊपर वाली भी हो गई, नीचे वाली भी हो गई, ठीक है। तो यहाँ प्रेशर कितना होगा? इस जगह प्रेशर कितना होगा? इसको मैंने मान लिया पी आई इनिशियली, कितना होगा? 1 ATM ही होगा। क्यों भाई, मैं ऐसा क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। अगर इधर ज़्यादा होता तो ये मरकरी को इधर दबा देता, इस तरफ ज़्यादा होता ये दबा देता, तो बराबर है, इसका मतलब दोनों तरफ बराबर प्रेशर होगा, बराबर होगा। तो जितना बाहर है, बाहर तो फिक्स है 1 ATM, यहाँ पर कितना है? 1 ATM। सपोज यहाँ आपने 2 ATM कर भी दिया किसी भी तरह, तो क्या होगा? थोड़ी सी देर रुको, इक्विलिब्रियम नहीं कहलाएगा, वो अपने आप ये पिस्टन मूव करेगा, वॉल्यूम बढ़ाएगा और तब तक बढ़ाता रह जाएगा जब तक इसका प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के बराबर नहीं आ जाए। और बाहर कितना है? 1 ATM, तो ये भी 1 ATM हो जाएगा। तो मैं अभी बात ही कह रहा हूँ इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी पिस्टन रुका हुआ है, तो कितना होगा? 1 ATM, ये तो फिक्स हो गया, ठीक है। तो हमारा जो ये पप्पू है, इसने क्या करा? इसको ट्यूब को खड़ा कर दिया। एक्सपेरिमेंट करने की आदत इसको बचपन से ही है, ठीक है। सोनू ने उल्टा कर दिया, सोनू भी कर रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन वो इस तरह से रख रहा है, अलग अलग तरह से रखते चले गए। आ गई बात समझ में? दीपू ने इस तरह से रख दिया, समझ में आ रहा है? और पिंटू ने इस तरह से रख दिया ट्यूब को। तो चारों अलग अलग तरह से रख रहे हैं, सेम है। ये लो, ये ओपन कर दिया, ये क्लोज कर दिया, अब अलग है पक्का। तो यहां हमारे पास मरकरी ट्यूब इस जगह आ गई, मरकरी कॉलम, ट्यूब नहीं मरकरी कॉलम, ऊपर एयर है नीचे गैस है। यहाँ मरकरी कॉलम तब तक गिरेगा जहां तक गिरना होता है, ये मरकरी कॉलम हो गया, ये मरकरी कॉलम यहाँ हो गया, ये मरकरी कॉलम इस जगह हो गया। मरकरी कॉलम की वजह से अंदर की गैस बाहर नहीं आ सकती, बाहर की गैस अंदर नहीं आ सकती, तो ये गैस अभी इस तरफ रहेगी, ये गैस इस तरफ रहेगी। बोलो क्लियर है? ये गैस यहां पर इस तरह से रहेगी और ये गैस इस तरह से रहेगी,
तो ये चारों केस आपके लिए कैपिलरी केस हो गए। एक जगह आपको हाइट दी गई थी एच, ये वाली, ठीक है। और एक और चीज दे दी गई है आप, और ये दी गई है आपको 1 सेंटीमीटर। कुछ भी दे सकते हैं, 1 दे दिया, 10 दे दिया, 2 दे दिया, कुछ भी दे दिया। कुछ समझ में आया? अब सपोज यहां पर मैं 10 ही लिख देता हूं, थोड़ी बड़ी वैल्यू दिखेगी। तो बताइए यहां पर ये वाली हाइट H1 क्या होगा? ऐसे यहां पर आपको कैलकुलेट करना है H2 क्या होगा, और यहां H3 क्या होगा ये, और यहां ये वाली वैल्यू H4 क्या होगी, यानी गैस कॉलम वाली। तो चलिए आप यहां पर क्या लगा सकते हैं, क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है? नहीं, टेम्परेचर पूरा सिस्टम सेम हो रहा है। तो एक तरह से मैं यहां पर कॉन्सेप्ट्स क्या लगाऊंगा, इस जगह इन सभी में P1 V1 NRT, N गैस बाहर निकल ही नहीं रही है, इज इक्वल टू P2 V2। क्या मैं लगा सकता हूं सब में? P1 V1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं, P1 V1 की जगह क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, H1 P2 H2। क्रॉस सेक्शन एरिया, ट्यूब को खड़ा करो, लेटाओ, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहेगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ P1 H1 इज इक्वल टू P2 H2। ये मैंने अपना फॉर्मेट बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए यहाँ पर P1 कितना था? फॉर्मूला तो यही होगा, PIVI इनिशियल इज इक्वल टू P1 H1। यहाँ आई का मतलब एच आई होगा, आई का मतलब इनिशियल। यहाँ क्या होगा? PIHI H2V2। यहाँ क्या होगा? PIHI H3V3। बोलो क्लियर है? यहाँ क्या होगा? PIHI P4 H4। यहां पर P3 H3 है, सब जगह सही है। यहां पर भी गलत हो गया था, P2 H2 है। बोलो क्लियर हुआ? यानी P1 H1 इक्वल टू P2 H2। P1 H1 की जगह मैंने PIHI लिख दिया, तो H1 H P1 दिस दिस सही है, पूरा सही है ना? अब आप मेरे को बताइए PIHI PI कितना है? 1। HI कितना है आपके पास? H, वो दिया गया है H क्वेश्चन में। P1 कितना होगा इस जगह? इस जगह प्रेशर कितना होगा? सोच के बोलो, देखो इधर सामने सब। पहले P1 कितना होगा इस जगह? प्रेशर है अंदर P1, P1 यहां बता रहा है। तो ये P1 कितना होगा? P1 होगा आपके पास, 1 तो पहले ही था एटमोसफियर प्रेशर की वजह से, P1 एटमोसफियर प्रेशर तो हर जगह लग रहा है, प्लस मर्करी कॉलम। मर्करी कॉलम के लिए मेरे पास 10 डिवाइडेड बाय 76, क्योंकि सेंटीमीटर में, तो ये अपन कर सकते हैं। तो क्या एच निकाल सकते हो आप? हाँ, तो एच की वैल्यू क्या होगी? 86 डिवाइडेड बाय 76। रुको, ये रुक जाओ, ये प्रेशर जो होगा वो बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, और हमारे पास H1 यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा? H1 की वैल्यू निकालनी है हमें, H1। तो जो पुराना H था उसको क्या करोगे आप? ये वहाँ जाएगा, तो एक तरह से 86 डिवाइडेड बाय 76 होगा। बोलो यस और नो, हमें H1 निकालना है। H तो हमारे को दिया गया है क्वेश्चन में, कुछ भी दे दिया जाए, चलो दे ही दो आप। ये H आपने दे दिया 100 सेंटीमीटर, तब तो बहुत आसान हो गया। 8600 डिवाइडेड बाय 76 सेंटीमीटर में।
कोई दिक्कत। अब इधर देख लो, पी आई एच आई, पी वहां पर वहीं से लेना है वन, एच की वैल्यू कितनी है 100, पी टू, पी टू कितना होगा देखो, यहां कितना है 180, और लिक्विड में ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो कितना हो जाएगा 1 - 10/76 एच टू, तो ये कितना हो जाएगा 66, तो एच टू हो जाएगा 760, ये उधर जाएगा। अपन से गलती हुई थी ना, एच उधर जाएगा 76/86 था, तुमने बोला ही नहीं। अब सही है, यहां ये उधर जाएगा उस तरफ जाएगा, तो 76/00 कितना आएगा यहां पर 66। क्लियर करो कॉन्सेप्ट्स, बोलो यस और नो। यहां क्या होगा, पी आई एच आई जल्दी से बोलो, थीटा देना चाहिए, तो चलिए ये थीटा दे दिया आपको, तो यहां तो हो गया आपके पास 1 × 100 पी थ्री। पी थ्री कैसे सोचेंगे हम, देखो इस मर्करी कॉलम की वजह से प्रेशर होगा, गैस है ये, गैस तो हर जगह सिमिलर प्रेशर लगाती है, लिक्विड होता तो बात अलग होती, गैस तो सभी वॉल में सभी जगह सेम लगाएगी, तो यहां पर जो ये लिक्विड वॉल है उसकी वजह से फर्क पड़ेगा, हमें इस तरफ ये लगाएगा 10/76 का प्रेशर, और हमें ये वाला कंपोनेंट चाहिए, सही है, और थीटा ये दिया हुआ है, तो देखा जाए तो ये वाला कंपोनेंट चाहिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इस जगह 1 + 1 तो है ही, ये वाला तो 1 है, इसमें एंगल की जरूरत नहीं है, लेकिन इस मास की वजह से एंगल की जरूरत पड़ रही है इसके लिए, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 10/76 साइन थीटा, लिख दिया जाए मल्टीप्लाई बाय क्या रख दिया जाए एच थ्री, तो आप बताइए एच थ्री की वैल्यू क्या होगी 100/1 + 10/76 sin θ, समझ में आ गई बात। और यहां क्या होगा, यहां वही चीज उल्टी हो जाएगी, उल्टा कैसे मतलब हमें इधर लिखना है और माइनस करना पड़ेगा, तो पी आई 1 × 100 ये तो हमारे पास फिक्स है शुरू से ही, पी 180 और 100। अब यहां पर थीटा जो दिया गया है वो यहां से दिया गया है, तो जब यहां से दिया है मुझे ये वाला फैक्टर चाहिए था, मुझे कौन सा फैक्टर चाहिए, ये वाला फैक्टर है, और ये वाला फैक्टर कितना होगा, ये अगर प्रेशर कितना है 10/76 mm of Hg है, तो ये वाला फैक्टर जो लगेगा वो कितना होगा 10/76 sin θ, समझ में आ रही है बात। तो यहां हमारे पास क्या हो जाएगा 1 - 10/76 sin θ, बहुत सही जा रहे हो आप, एच फोर भी निकाल लोगे, इज दैट क्लियर, यस और नो। तो ये कैपिलरी कंसेप्ट आपका पूरा हो गया, कैसा भी करे सब कर सकते हो आप।